71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी दमन दीव वासियों को, दादरा नगर हवेली वासियों को और मेरे पूरे देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को मर्जर किया जा रहा है और उसकी घोषणा भी आज हो गई है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज पूरा देश खुली हवा में सांस ले रहा है, पर हमें लगता है कि दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। और मैं तो इतना ही कहूंगा हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमें भी आज़ादी दिलाए। दादरा नगर हवेली दमन दीव को आपने मर्जर किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें भी विधानसभा दे, हमें विधानसभा का गठन करके दे, ताकि चुने हुए जनप्रतिनिधि हम इस प्रदेशवासियों की सेवा कर सकें। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा हमारे प्रदेशवासियों को, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव वासियों को, कि आप हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक खत एवं एक पोस्टकार्ड लिखें। हर घर से एक पोस्टकार्ड जाना चाहिए और उन्हें हमें कहना है कि हमें विधानसभा दी जाए। ये हमारी बहुत ही पुरानी मांग रही है। जब 50,000 की आबादी वाला एक देश बन सकता है, तो हम इतने लाखों में क्यों नहीं एक राज्य बन सके। यूटी विथ लेजिस्लेचर, हमें भी यूनियन टेरिटरीज को एक विधानसभा देनी चाहिए।